गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से आप लोगों की नई शुरुआत होने जा रही है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न को हम सॉल्व करें। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO प्लस सी तीर्का निशान 2PbS प्लस CO2। सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। सीसा उपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। Fe2O3 प्लस 2L L2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर, इस अतः एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर देगी, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कोई भी वस्तु अगर आग के संपर्क में जलता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जैसे द्रवित गैस का दहन। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया होती है? उच्च ताप पर की उपस्थिति कॉपर तार को गर्म करना, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तार को गर्म करना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का मूल मंत्र होता है कि किसी भी चीज का दहन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात हमेशा 2 और 1 के अनुपात में होगा। 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Mg। Mg प्लस O2 तीर का निशान MgO होगा। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? उपयुक्त में सही दही का बनना, भोजन का टूटना, किन अंगूर, क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत नया उत्पाद मिलता है, अतः यह सभी नए उत्पाद रहता है। उपयुक्त में से सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट की विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए द्वारा कॉपर द्वारा विस्थापित किया जाता है, इस के लिए एक सूत्र लिखें। 2Cu प्लस 2AgNO3 तीर का निशान 2CuNO3 एक्वस प्लस 2Ag। कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण? उष्माक्षेपी। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। Zn प्लस CuSO4 तीर का निशान ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया।
निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है? वह रासायनिक विधि जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। संक्षरण, संक्षरण जब कोई धातु आदरता अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह धीरे धीरे क्षरित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षरण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि संक्षरण के उदाहरण। विकृति गंधिता, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो अपचयन के फलस्वरूप उनके स्वाद और गंध विकृति गंधिता कहलाते हैं। उदाहरण, खुला रखने पर समोसे का स्वाद बिगड़ जाता है।